प्यारे बच्चों, वेलकम टू डॉगलेस क्लासेस। मैं अमित सिंह, जो कि इस प्लेटफॉर्म से अपनी मैथ की जो सीरीज है तो उसे लेकर के चल रहा हूँ। तो बच्चों, हमारा जो अब तक के जो भी टॉपिक्स हुए हैं, तो सबसे पहले मैंने आप लोगों को बोर्ड मैथ्स पूरा कराया, जो कि लगभग 7-8 लेक्चर में था। उसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक था, तो वो बच्चों हमारा स्क्वायर एंड क्यूब रूट था, जिसके उस 11 से 12 लेक्चर मैंने कराए, और जितने भी प्रीवियस ईयर की परीक्षाओं में जो क्वेश्चन आप लोगों के पूछे गए थे वो मैंने सब आपको पूरे कराए हैं। ठीक है, तो आज हमारा जो अगला टॉपिक है, तो बच्चों हमारे टॉपिक का नाम है एचसीएफ एंड एलसीएम। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सारे बेसिक टॉपिक है, बेसिक मैथ को बच्चे लेकर के परेशान होते हैं। मेरा मोटिव भी है कि मैं बच्चों की जो बेसिक मैथ्स है उसको अच्छा करा दूं। ठीक है, तो आप मेरे जो भी लेक्चर उनको ध्यान से देखिए, आपको डेफिनेटली जो कहीं नहीं मिला वो यहाँ मिलेगा और सीखने का मौका मिलेगा। तो चलिए, आज देरी ना करते हुए जो भी हमारा आज का अगला टॉपिक है तो उसकी हम शुरुआत करते हैं। तो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है, तो हमारे टॉपिक का नाम है बच्चों एचसीएफ। ठीक है, एचसीएफ एंड उसके बाद में हमारा होने वाला है एलसीएम। ठीक, तो देखिए यहाँ पर हम इसके अंदर दो टर्म पढ़ेंगे, और जैसे बच्चों आपको एचसीएफ और एलसीएम क्या होते हैं, मैं आपको दो संख्याओं के उदाहरण के माध्यम से, है ना, उस चीज को मैं समझाने की कोशिश करूंगा कि एचसीएफ क्या होता है और एलसीएम क्या होता है। तो सबसे पहले मेरा जो आपका जो मेरा मेन मॉड्यूल है या अभी जो मेरा फर्स्ट स्टेप है, वो बच्चों मैं एचसीएफ को क्लियर करना चाहूंगा। ठीक है, तो समझिए आप मेरी बात को सारे बच्चे ध्यान से, कि जैसे मान के चलो इस वाले हमारे पूरे टॉपिक में दो संख्याएं हमेशा हमारे साथ रहेंगी, उन दो संख्याओं को आपको कभी भी नहीं भूलना है। ठीक है, तो देखिए जो दो संख्याएं हैं वो कौन कौन सी हैं बच्चों। जैसे मान के चलो एक संख्या हमारी 20 है और एक संख्या हमारी 30 है। ठीक है, और इस एच का मतलब यहाँ पर बच्चों हाईएस्ट है और इस एल का मतलब यहाँ पर लोएस्ट है। ठीक है, तो आपको एक बात ध्यान रखनी है यहां पर बच्चों, कि हम एचसीएफ को अगर उदाहरण के माध्यम से समझे, तो बच्चों देखिए एचसीएफ जो है एक तरीके से इसका काम, एचसीएफ को हम लोग बोल सकते हैं कि यह पूरे चैप्टर में एक तरीके से हमारे एक चाकू का काम करता है, और जो हमारा एलसीएम है वो एक तरबूज का काम करता है। ठीक है, अब आप बोलोगे कि सर ये बताइए कि ये जो है चाकू और तरबूज का जो आप कॉन्सेप्ट कह रहे हैं, तो आपका इसको बताने का क्या मतलब है। तो मैं आपको बता दूं बच्चों कि मेरा यहाँ पर चाकू और तरबूज का जो बताने का जो मतलब है, तो वो बच्चों क्या है, देखिए मैं आपको बताना चाह रहा हूं। ठीक है, देखिए बच्चों, जैसे आप लोग जानते हैं कि चाकू का काम क्या होता है, काटना, और तरबूज का काम क्या होता है, कटना। तो जो संख्याएं डिवाइड करने का काम करेंगी, डिवाइड मतलब काटने का काम करेंगी, या जो संख्या किसी अदर संख्याओं को डिवाइड करने का काम करेगी, काटने का काम करेगी, तो इसका मतलब चाकू का काम क्या होता है बच्चों, काटना। तो पूरे चैप्टर में एचसीएफ का काम एक चाकू की तरह है, जो भी एचसीएफ होता है वो संख्याओं को डिवाइड करने का काम करता है। और तरबूज की बात आप जानते हो, तरबूज का काम होता है बच्चों कटना। तो जैसे पूरे चैप्टर में एलसीएम वो संख्या होती है जो कुछ संख्याओं से डिवाइड करी जाती है, तो जो डिवाइड होती है, जो कटती है बच्चों, उसको हम लोगों ने क्या नाम दिया, एलसीएम, और जो काटती है उनको हमने क्या नाम दिया, चाकू। ठीक है, एक तो आप ये समझिए, और दूसरी बात, जब आप चैप्टर पढ़ेंगे तो कहां पर आप लोगों को एचसीएफ लेना है और कहां पर आप लोगों को एलसीएम लेना है, ये बात भी हमें ध्यान से पढ़नी चाहिए। ठीक है, तो देखिए कहां पर हमें एचसीएफ लेना है और कहां पर हमें एलसीएम लेना है, मैं आपको बता दे रहा हूं। ठीक, देखिए बच्चों, तो एचसीएफ कब लेंगे और एलसीएम कब लेंगे, देखिए जब कभी भी आप ध्यान रखेंगे, अगर हमारे पास में ये कहीं भी किसी क्वेश्चन में अगर हमें ये दिखाई देगा कि सबसे बड़ी, तो अगर आप लोगों को सबसे बड़ी, ठीक, या तो बच्चों सबसे बड़ी संख्या की बात करें, ठीक है, या एक शब्द लगाए
बच्चों आपका अधिकतम है ना, अधिकतम ये शब्द लगा हो, ठीक है। उसके बाद बच्चों शब्द लगा हो आपका बराबर, बराबर शब्द लगा हो, ठीक है। और एक शब्द लगा हो बच्चों को विभाजित, क्या लगा हो बताइए आपका, को विभाजित। तो अगर हमारा इतने शब्द अगर लगे हैं, जैसे इसको हम अंग्रेजी में अगर समझना चाहें तो बच्चों अंग्रेजी में हम इसको बोल सकते हैं, क्या बोलेंगे बताइए, लार्जेस्ट शब्द लगा होगा, और अधिकतम के लिए बच्चों मैक्सिमम, ठीक है, यहां पर इसके लिए मैक्सिमम वर्ड लगा हो। बराबर का मतलब बच्चों यहां पर आपका इक्वल वर्ड दिया होगा, और यहां पर बच्चों अगर इंग्लिश की बात करते हैं तो यहां पर आपका डिवाइड टू दिया होगा। तो अगर ये शब्द हमारे कहीं पर दिए हैं तो आप ध्यान से समझ जाना कि इसका मतलब आपको एचसीएफ निकालना है, ठीक है। और अगर हम लोगों को बच्चों एलसीएम की बात अगर करनी है तो ध्यान से इसको भी देखिए कि अगर बच्चों कहीं पर हमारा क्या दिया होगा, सबसे बड़ी की जगह है ना, यहां पर मान के चलिएगा आपका सबसे छोटी दे रखा हो, तो अगर कहीं पर सबसे छोटी संख्या दिया है, ठीक है बच्चों, एक ही समय पर है ना, एक ही समय पर ये दिया है, एक ही समय पर, ठीक। उसके बाद हमारा बच्चों दिया हो एक साथ, ठीक, ये एक साथ शब्द दिया हो, ठीक है। और इसके बाद बच्चों यहां पर आपका दिया हो से विभाजित, है ना, से विभाजित। तो अगर हम इंग्लिश वाले बच्चों के लिए यहां पर अगर बच्चों बात करते हैं तो इसका मतलब होता है कि इसका मतलब बच्चों है ना, इसका मतलब हो जाएगा आपका स्मॉलेस्ट, ठीक है। इसका मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, स्मॉलेस्ट, ठीक। स्मॉलेस्ट वर्ड का यूज करा गया है, ठीक है, यहां पर आप देखिएगा, अगर बच्चों उसने स्मॉलेस्ट वर्ड का यूज करा है और अगर वो बोला है कि एट द सेम टाइम, ठीक, ये इंग्लिश वाले बच्चों के लिए है कि एट द सेम टाइम बात क्या है ना, टूगेदर, यहां पर बच्चों वो बोल सकता है आपका टूगेदर, ठीक है। उसके बाद यहां पर लिख सकता है बच्चों वो डिवाइडेड बाई, है ना, डिवाइडेड बाई। तो एक और हो सकता है बच्चों इसमें हिंदी में, आप देखिएगा यहां पर वो दे सकता है अंकों वाले, ठीक है, अंकों वाले। इंग्लिश में अगर बोलेगा डिजिट नंबर, है ना, डिजिट नंबर। तो इस तरीके से अगर आप लोगों को इतने सारे वर्ड हमारे दिए हैं कहीं पर, तो ये बच्चों ये वाले जितने भी वर्ड हैं ये सब एचसीएफ के लिए कीवर्ड्स हैं, और ये वाले सारे वर्ड्स जितने भी हैं वो हमारे एलसीएम के लिए कीवर्ड्स हैं, ठीक है। तो आप लोगों को यहाँ पर ध्यान देना है कि जो हमारे एचसीएफ के है ना, एचसीएफ के कीवर्ड होंगे वो ये वाले होंगे, और जो एलसीएम के कीवर्ड होंगे वो हमारे ये वाले होंगे, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से पहले तो आप लोगों को ये कीवर्ड लिख लेने हैं अपनी कॉपी पर, और आगे जब जब हम लोग कोई क्वेश्चन पढ़ेंगे मैं आपको अंडरलाइन करके बताता रहूंगा कि देखिए बच्चों ये वही से फिर से वर्ड्स आ रहे हैं, ठीक है। तो इनको आप सारे बच्चे अपनी कॉपी पर लिख लीजिएगा, ठीक है, इसके बाद मैं इसको साफ कर दे रहा हूं, ठीक। तो अगर स्क्रीनशॉट लेना है वो भी आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए तो बच्चों यहां पर अगर हम लोग देखते हैं, आगे चलते हैं, तो हम लोग बात यहाँ पर बच्चों किसकी कर रहे थे, यहाँ पर हम लोग बात कर रहे थे एचसीएफ की। तो सबसे पहले जो हमारा एचसीएफ का कॉन्सेप्ट है उसको लेंगे, और फिर जो हमारा एलसीएम का कॉन्सेप्ट है हम उसको भी लेकर के चलेंगे, ठीक है। तो बच्चों जैसे मैंने एचसीएफ को, जो एचसीएफ के विषय में मैंने बताया कि बच्चों मान लो कि ये एक चाकू है और चाकू का काम डिवाइड करना होता है, और ये बच्चों हमारा क्या है बच्चों, एक तरबूज है, और तरबूज का काम क्या होता है बच्चों, कटना होता है। तो जो काटने का काम करेगा वो एचसीएफ है, जो कटने का काम करेगा वो हमारा एलसीएम है, ठीक। अब इसको हम लोग और अच्छे से समझने के लिए
कुछ संख्याओं के माध्यम से हम इसको समझते हैं। बच्चों मान लो कि हमारे पास दो संख्या है 20 और एक बच्चों क्या है हमारे पास 30। अब देखिए ऐसी कौन कौन सी संख्या है जो इनको डिवाइड कर सकती है। तो बच्चों एक तो दो है, उसके बाद में बच्चों तीन नहीं डिवाइड करेगा, दोनों को चार नहीं करेगा, उसके बाद बच्चों आपका पांच है और उसके बाद आपका 10 है। तो ये तीन ऐसी संख्याएं हैं जो इनको डिवाइड कर सकती हैं। आप देखिए आप लोगों को मैंने बताया कि जो चाकू आप लेंगे तो चाकू वो लीजिएगा जो सबसे बड़ा है ना, चाकू सबसे बड़ा होना चाहिए। और तरबूज बच्चों आप लोगों का क्या होना चाहिए, तरबूज आपका सबसे छोटा होना चाहिए। ठीक है, मीन जब आप चाकू का चुनाव करेंगे तो चाकू का काम होता है डिवाइड करना। ठीक है, तो देखिए बच्चे यहां पर अगर हम लोग देखते हैं तो चाकू के विषय में देखिए, मान के चलो पहला चाकू आपका 2 है। ठीक है, तो जो आपका पहला वाला चाकू आपका 2 है तो बच्चों ये वाला जो चाकू है आपका तो इसका काम काटना है। जरा ध्यान से देखिए कि ये जो 2 है इन दोनों संख्या को डिवाइड करेगा कि नहीं करेगा। तो जो इन दोनों को संख्या को डिवाइड करेगा इसका मतलब वो चाकू आपका सही है, चाकू वही सही होगा जो सबको डिवाइड कर दे। ठीक है, तो ये वाला चाकू बच्चों दोनों को डिवाइड कर सकता है, 2 इसको 15 बार डिवाइड कर सकता है, सॉरी 10 बार, और इस वाली संख्या को 15 बार। अब अगली संख्या बच्चों हमारी 5 दी है तो 5 इसको 4 बार, इसको 6 बार डिवाइड कर सकता है। और अगली संख्या दी है बच्चों 10, तो 10 इसको 2 बार और 10 इसको 3 बार। तो ये तीन चाकू है तो चाकू सबसे बड़ा होना चाहिए। तो बताइए बच्चों जो सबसे बड़ा चाकू वो कौन है, 10। तो जो 10 है तो बच्चों 10 आपका क्या होने वाला है, 10 आपका HCF होने वाला है। तो 10 बच्चों इस तरह से हमारा HCF हो गया। अब उसके बाद में 10 लेने के फायदे ये हैं कि बच्चों अगर आप लोग 10 के फैक्टर करते हैं तो 10 के फैक्टर होते हैं बच्चों 2 और गुणा में कितना होता है बताइए आपका 5। ठीक है, तो 10 के फैक्टर बच्चों 2 गुणा 5 होते हैं। तो देखिए जो 2 चाकू छोड़कर के आए थे आप, वो दोनों चाकू से मिलकर के ही बड़ा चाकू बना है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग बड़ी आसानी से इस वाली बात को समझ सकते हैं जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि चाकू हमेशा सबसे बड़ा लेना, क्योंकि चाकू तो ये दोनों भी है, ये भी डिवाइड करने का काम कर रहे हैं, लेकिन आपका जो चाकू होना चाहिए वो सबसे बड़ा वाला होना चाहिए। क्या मेरी बात समझ में आई आपको? तो इस तरह से जो संख्या सबसे बड़ी हो और संख्या को डिवाइड कर रही हो बच्चों उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को हमने HCF का नाम दिया है। ठीक है, अब HCF लेने के 2 तरीके हैं। पहले बच्चों हम लोग HCF की बात कर रहे हैं तो HCF समझ लें, अब चलो LCM भी साथ में समझ ले रहे हैं। अब देखिए बच्चों तो तरबूज का काम क्या होता है, कटना, जो सबसे छोटा तरबूज है। तो यही संख्याएं हैं, तो बच्चों ये संख्याएं जब इन संख्याओं को डिवाइड करा जाए तो जो संख्या इनको डिवाइड करेगी वो HCF है, और जब ये वाली संख्या इसी संख्या को डिवाइड करेगी तो वो LCM है। जरा देखिए बच्चों दोनों से कटने वाली जो पहली संख्या है वो 60 है और अगली संख्या बच्चों 120 है, अगली संख्या 180 है, अगली संख्या 240 है। ठीक है, तो अगर ध्यान से देखिए आप सारे बच्चे तो ये 20 और 30 दोनों 60 को डिवाइड कर सकते हैं, 120 को भी, 180 को भी और 240। तो ये सारे के सारे तरबूज हैं जो एक साइज से रखे हुए हैं, ये सबसे छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, और भी बहुत सारे बड़े तरबूज हो सकते हैं, लेकिन शर्त ये है कि तरबूज हमेशा सबसे छोटा वाला होना चाहिए। तरबूज का काम कटना होता है। तो बच्चों इस तरह से सबसे छोटा तरबूज बताइए कौन सा हुआ, 60। तो ये दोनों संख्याएं जिस संख्या को डिवाइड कर सकती हैं वो इतनी सारी संख्या को डिवाइड कर सकती हैं, लेकिन सबसे छोटी संख्या बच्चों क्या निकल के आएगी बताइए, हमारी सबसे छोटी संख्या निकल के आएगी हमारी 60। तो इस तरह से बच्चों जो सब संख्याओं से कटने वाली संख्या सबसे छोटी होनी चाहिए मगर काटने वाली संख्या सबसे बड़ी होनी चाहिए। तो जो सबसे बड़ी है वो HCF है और जो सबसे छोटा है वो हमारा LCM है। क्या मेरी बात समझ में आ गई? तो इसी तरीके से आगे हम जितने भी क्वेश्चन करेंगे आप ध्यान रखिएगा कि HCF वो बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो 2 या 2 से अधिक संख्याओं को डिवाइड करेंगे, और LCM वो सबसे छोटी संख्या होती है जो 2 या 2 से अधिक संख्याओं से डिवाइड हो सकती है। ठीक है, अब हम HCF और LCM लेने के तरीके देखेंगे, ये हमारा HCF और LCM का बेसिक कॉन्सेप्ट था। ठीक है बच्चों, चलिए तो अगर हम यहाँ पर आगे चले अपने क्वेश्चन को लेकर के। ठीक है बच्चों, चलिएगा। ठीक, तो बच्चों यहाँ पर आप देखिएगा
कि अगर हम लोग यहाँ पर कुछ संख्याएं लें, जैसे मान के चलो मैंने ले लिया बच्चों आपका 24 लिया, ठीक, उसके बाद बच्चों मैंने 60 लिया, और उसके बाद बच्चों मैंने आपका मान के चलिएगा 72 लिया, ठीक है। तो आप ये देखिएगा कि जब भी आप लोग यहां पर देखो तो हमें क्या फाइंड आउट करना है बच्चों, इनका हमें एचसीएफ बताना है, ठीक है ना। तो जब हम इनका एचसीएफ बताएंगे, ठीक, तो आप लोगों को करना क्या है, जितनी भी संख्या है सबसे आसान तरीका बता रहा हूं और ध्यान से सुनिएगा कि जब हम एचसीएफ लेते हैं तो हमेशा ये जो संख्याएं लिखी हैं इनमें से आप जो सबसे छोटी संख्या होगी उसका चुनाव करिए। तो मान के चलो कि आपका एचसीएफ 24 है, क्योंकि जो आपकी जो संख्याएं हैं वो 24, 60 और 72। जब भी एचसीएफ लेंगे आप सबसे पहले सबसे छोटी संख्या का चुनाव करिए, ठीक। तो इनमें से छोटी संख्या में से 24 है, तो मान लो एक सेकंड के लिए कि आपका जो एचसीएफ वो कितना 24 है, बट आप इसको चेक कर सकते हो कि एचसीएफ आपका सही है या गलत है। तो मान लो ये क्या है, एचसीएफ एक चाकू, और चाकू का काम काटना, उसके रास्ते में जो आएगा वो सबको काटेगा, अगर वो सबको काटेगा तो वो चाकू है, सही है, नहीं काटेगा तो चाकू नहीं, तो गलत है। अब देखिए जरा 24 को तो काट सकता है, लेकिन बच्चों 24 60 को नहीं काट सकता, 24 72 को काट सकता है, लेकिन जबकि चाकू वो होना चाहिए जो सबको पूरा डिवाइड कर दे। इसका मतलब ये आंसर हमारा सही नहीं है, क्योंकि ये सबको डिवाइड नहीं कर सकता। तो आपको करना क्या है, देखिए बच्चों आप 2 को उठाएंगे, क्योंकि सबसे छोटी जो संख्या है जो किसी दूसरे संख्या को डिवाइड करने पर उसके मान को परिवर्तित कर देती है, तो वो 2 है। 1 से डिवाइड करने पर किसी संख्या के मान में परिवर्तन नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ 1 लूंगा तो 1 से डिवाइड करने पर तो 24 ही आएगा, और 24 से हम लोग पहले से चेक कर चुके हैं तो 24 हमारे किसी काम का नहीं। तो बच्चों यहाँ पर हमें 2 लेना है, और 2 से काटने पर बताइए हमारा कितना आया बच्चों, 12, ठीक है। अब हमारा जो चाकू था ये 24 कुछ ज्यादा ही बड़ा हो रहा था, उतना बड़ा चाकू भी नहीं चाहिए था जो सबको नहीं काट पा रहा। तो बच्चों अगला चाकू हमारा आया 12। अब ध्यान से देखिए कि 12 24 को 2 बार काटेगा, 12 60 को बच्चों आपका 5 बार काटेगा, और 12 72 को आपका 3 बार काटेगा। तो इस तरह से आप 12 को क्या मान सकते हो कि ये 12 आपका वास्तव में सही एचसीएफ है। तो बच्चों ये एचसीएफ लेने का सबसे आसान तरीका है कि इस तरह से कभी भी अगर आपके क्वेश्चन में बहुत सारी संख्याएं दे रखी हैं बट उनमें एक संख्या आपकी बच्चों कितनी है, 2 अंकों वाली है, 2 अंकों वाली का होना जरूरी है। अगर कोई एक संख्या 2 अंकों वाली है तो आप इजिली क्वेश्चन को डन कर सकते हैं। जैसे आप देखिए मैं और क्वेश्चन लेता हूं आपके सामने, ठीक है। तो जरा ध्यान से देखिए बच्चों कि मान लो यहां पर बच्चों हमारा कि अगला क्वेश्चन ये है, उसने दिया बच्चों हम लोगों को 36, ठीक है, उसके बाद बच्चों उसने हमें दे दिया 480, और उसके बाद बच्चों उसने हमें दे दिया मान के चलो 1000, है ना, 1000 बच्चों 8 या 1080 दे दिया, ठीक है। अब आपको देखना है कि क्या ये सही इनमें से एचसीएफ क्या है। तो मैं आप लोगों से कहता हूं कि कितनी भी संख्या दी हो मगर एक संख्या उनमें से 2 अंकों वाली जरूर होनी चाहिए, और आप देख रहे होंगे कि इनमें से एक संख्या 2 अंकों वाली। तो आपको सबसे पहले सबसे छोटी संख्या का चुनाव करना है। तो अगर आप इन संख्याओं में सबसे छोटी संख्या देख रहे हैं तो बच्चों बताइए वो आपकी कितनी होगी, 36। तो अगर 36 आपका एचसीएफ है, फॉर ए सेकंड आप इसे दिमाग में मान लो कि भाई 36 आपका एचसीएफ है, बट अगर 36 एचसीएफ है तो इसका मतलब 36 एक ऐसा चाकू है जो सबको डिवाइड करेगा, और सबको डिवाइड करेगा तब तो हमारा आंसर सही है, अदरवाइज हमारा आंसर गलत है। तो 36 से अगर हम 36 को डिवाइड करें, है ना, तो देखिए बच्चों 36 से अगर हम लोग 36 को डिवाइड करेंगे तो कितनी बार काटेगा, 1 बार, पहले वाले केस में पास हो गया कि सही चाकू है। लेकिन दूसरे वाले केस में देखिएगा अगर हम लोग 36 से काटते हैं बच्चों तो 12 3 36, 12 4 48, तो बच्चों वैल्यू निकल करके आगे आपकी 40/3। तो देखिए 40/3 मतलब 3 40 को नहीं काट सकता, तो इसका मतलब 36 भी 40 को नहीं काट सकता, ये यहां पर आकर के फेल हो गया, ये हमारे काम का नहीं निकला। तो अब हमें क्या करना चाहिए, ठीक है। तो बच्चों यहां पर आप देखिएगा इसका मतलब जो 36 है तो वो हमारा वास्तव में क्या नहीं है, वो वास्तव में बच्चों हमारा एचसीएफ है नहीं। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें 36 को 2 से
डिवाइड करना चाहिए। तो बच्चों अगर मैं 36 को यहाँ पर 2 से डिवाइड करके, है ना, 36 को बच्चों में 2 से डिवाइड करके अगर बाहर निकाल देता हूँ तो बच्चा ये कितना आएगा बच्चों, 18। और जिस संख्या से आप काट रहे हो वो भी अलग रखना कि पहली बार में हमने 2 से काटा। तो बच्चों 18 36 लेकिन 18 फिर से 480 को नहीं काट पाएगा, इसका मतलब आप इसको और छोटा कर लीजिए। तो और छोटा करने पर बच्चों कितना आया आपका 9, ठीक है। और 9 काटने पर बच्चों यहाँ पर देखिएगा आपका कितना आया बच्चों, बताइए, 2 से काटा तो उस 2 को फिर से अलग रख लीजिएगा, ठीक है। तो 9 बच्चों 36 को तो काट सकता है लेकिन 9 48 को नहीं काट सकता, इसका मतलब ये भी आंसर नहीं है। तो इसका मतलब बच्चों हमने 3 से काटा, तो 3 से काटने पर क्या आया हमारा, 3 आया, बट 3 तो यहाँ भी है, 3 यहाँ भी, तो कौन सा 3 ले, ठीक है। तो यहाँ पर हमें देखना बच्चों कि हमारा ये काट करके हमारा, तो बच्चों ये भी फैक्टर है जिनसे हमने इन संख्याओं को छोटा करा। तो अगर बच्चों यहाँ पर ध्यान देंगे तो ये 3 काट रहा लेकिन ये भी तो फैक्टर है। तो इस तरह से 36 के फैक्टर कौन कौन बने बच्चों, 36 के फैक्टर बने 1 3, तो ये वाला बना, और 2 गुणा में 2 और गुणा में बच्चों कितना बन गया, 3 बन गया। तो ये 36 के फैक्टर हो गए। अब इनमें से आप ऐसे फैक्टर उठा के चलिए जो बच्चों इन संख्याओं को काट सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप यहां से बच्चों उठा लीजिएगा 2 2 4, तो अगर आपने 4 उठाया तो 4 36 480 सबको काट सकता है। और देखिए अगर आपने इसके साथ में 1 ले लिया 3, तो 4 दिया बच्चों कितना हो गया 12। तो देखिए 12 दिया 36, 12 चौक 48 और 12 नंबर 108, इसको भी काट दिया। बट अगर आप इसको 3 से गुणा करेंगे तो फिर से 36 बन जाएगा, इसका मतलब ये जो 3 है ये हमारे काम का नहीं है। तो बच्चों बताइए यहाँ पर काटने का काम कौन कर रहा है, 12, 36 ने नहीं काटा। तो वास्तव में बच्चों आपका जो एचसीएफ निकल का आया वो कितना निकल का आया, 12। तो 12 दिया 36, 12 चौक 48, 12 नंबर 108, ये बच्चों सबको काटेगा। तो वास्तव में आपका बच्चों एचसीएफ कितना आया, आपका एचसीएफ निकल करके आ गया है बच्चों 12। तो इस तरह से एक एचसीएफ लेने का कॉन्सेप्ट ये है। और बच्चों जब बहुत बड़ी संख्याएं हो जाती हैं तो फिर एचसीएफ को हम लोगों को डिवाइजेशन मेथड से लेना चाहिए। अब डिवाइजेशन मेथड से हम लोग एचसीएफ कैसे लेते हैं, इस चीज को हम लोग जब क्वेश्चन करेंगे तब समझेंगे, ठीक है। तो बच्चों एचसीएफ लेने का तरीका मैंने आपको बताया, एलसीएम आपको लेना आता ही है, ठीक है। तो इस तरह से अगर हम लोग आगे लेकर के चलते हैं तो बच्चों इसको हम साफ करते हैं। तो नॉर्मली एचसीएफ लेना मैंने आपको बताया, एलसीएम लेना बच्चों को आता है, जिनको नहीं आता है जब अभी आगे क्वेश्चन करेंगे तो तब समझ में आ जाएंगे। लेकिन कुछ विशेष प्रकार की संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम होते हैं, उनको हम लेने का काम करते हैं। तो बच्चों देखिएगा, जैसे हमें बहुत से बच्चे होते हैं उनको फ्रैक्शन का एचसीएफ और एलसीएम लेने में दिक्कतें होती है। तो जो फ्रैक्शन है हमारी उसका एचसीएफ एलसीएम कैसे लेंगे, फिर डेसिमल नंबर का एचसीएफ एलसीएम कैसे लेंगे, ये हमें सीखना है। आइए सीखते हैं। तो सबसे पहले मान के चलो बच्चों एक क्वेश्चन है हमारे सामने के 0.2, ठीक है। उसके बाद बच्चों दे दिया आपका 0.3230 और फिर उसके बाद दे दिया हम लोगों को 0.4 और बच्चों हमारा दे दिया 2 और 0। तो सबसे पहले ये ध्यान रखिएगा आपको इसका क्या निकालना है। तो बच्चों आपको इसका पहले एचसीएफ निकालना है, फिर हम इसका एलसीएम भी निकाल करके दिखा देंगे तुम्हें, ठीक है। तो चलिए हम लोग एलसीएम एचसीएफ लेते हैं। तो बच्चों चाहे तो आप इनका एचसीएफ लो, चलो हम लोग इसका एलसीएम भी निकालेंगे, है ना। तो चाहे तो आप डेसिमल का एचसीएफ लो, चाहे बच्चों एलसीएम लो। हमेशा ध्यान रखना है कि एचसीएफ और एलसीएम से लेने से पहले पॉइंट के बाद जो अंक है तो उनके जो अंक है उनकी जो अंकों की जो संख्या है वो बराबर होनी चाहिए, मेरा मतलब समझिए। जैसे यहाँ पर पॉइंट के बाद बच्चों 3 अंक है जबकि यहाँ पॉइंट के बाद 2 अंक है, तो सबसे पहले आप लोगों को 1 0 लगा करके यहाँ पॉइंट की संख्या समान कर लेनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद ये जो बच्चों आप लोग देख रहे हो यहाँ पर, अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर आप लोगों को कितने 0 लगाने पड़ेंगे, 2, तब जाकर के आपके सब जगह 3 3 अंक होंगे, ठीक। अब उसके बाद आप ऐसा जब ध्यान से देखिए, जब ये पॉइंट तीनों जगह से हटेगा तो तीनों जगह से हटने के बाद में ये वैल्यू बच्चों हो जाएगी आपकी 200 और बटे में बच्चों कितना हो जाएगा आपका, बताइए। पॉइंट के बाद ध्यान से देखो 3 संख्या है तो 0 भी 3 लगाओगे, यहाँ भी पॉइंट के बाद 3 संख्या है तो बच्चों यहाँ भी आपको कितने 0 लगाने हैं, बताइए, यहाँ भी आपको 3 0 लगाने हैं। और यहाँ पर बच्चों पॉइंट के बाद भी 3 संख्या है तो
यहाँ पर भी आपको कितने जीरो लगाने हैं, तो यहाँ पर भी बच्चों आपको 3 जीरो लगाने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग एचसीएफ लेंगे, तो ध्यान से देखिए ये जो नंबर है ये एक फ्रैक्शन बन गया है, ये भी फ्रैक्शन बन गया, ये भी फ्रैक्शन बन गया। तो सबसे पहले जब डेसिमल नंबर होते हैं तो उनका एचसीएफ या एलसीएम निकालते समय एक फ्रैक्शन बनेगी, और जब आप एचसीएफ लेंगे तो ध्यान से देखिए बच्चों कि अगर हम लोगों को यहां पर बराबर में इनका एचसीएफ निकालना है, क्या निकालना है बच्चों, एचसीएफ, तो इसके बटे में आप लोगों को एलसीएम रख लेना है। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे ऊपर वाले जितने भी नंबर हैं इनका हम लोगों को एचसीएफ निकालना है, और नीचे वाले नंबरों का बच्चों हमको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है, ठीक है ना। तो इस तरह से बच्चों अगर हम आगे चल रहे हैं, ठीक है, तो ध्यान रखिए बच्चों सबसे पहले कितना आसान है कि अगर हर जगह पर समान संख्या दी है तो हर जगह पर समान संख्या होने पर चाहे आप उनका एलसीएम निकालिए और चाहे आप उनका एचसीएफ निकालिए, हमेशा जो समान संख्या वाला नंबर है वही एचसीएफ भी होता है, वही एलसीएम भी होता है। मीन्स अगर आप 1000 1000 1000 का एलसीएम निकालोगे तो बच्चों इसका जो एलसीएम निकल के आएगा वो आपका 1000 ही होगा, ठीक है। और ऊपर वाली संख्या पर क्या निकालोगे आप लोग बच्चों, एचसीएफ। तो देखिए हम लोग एचसीएफ निकालेंगे, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि एचसीएफ जब भी होगा या तो वो सबसे छोटी संख्या होगी या उससे भी छोटी संख्या होगी। तो सबसे पहले हमें 200 और 420 का एचसीएफ निकालना होगा। तो बच्चों अगर हम लोग यहाँ पर 200 और 420 का एचसीएफ निकालेंगे तो देखिए कैसे निकालते हैं, ये भी आप लोगों को मैं बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर देखिए सारी संख्या कितने अंकों वाली है बच्चों, 3। मैंने बताया था कि अगर आपको ट्रिक लगानी है तो उनमें से कोई एक संख्या 2 अंकों वाली होनी चाहिए, 2 अंकों वाली नहीं होगी तो हमारा एचसीएफ नहीं निकाल सकता, ठीक है। चलिए आप देखते हैं बच्चों, तो यहाँ पर हमें पहले 200 का 420 के साथ निकालना चाहिए। तो बच्चों अगर हम 420 के साथ में 200 का एचसीएफ निकालेंगे तो बच्चों यहाँ पर आप लोगों को सबसे पहले 200 ले लेना है, और देखिए 200 का जो पहाड़ा है, ठीक है, तो बच्चों 200 का पहाड़ा आपको 420 में पढ़ना है। तो 200 का पहाड़ा जब आप 420 में पढ़ोगे तो बताइए बच्चों कितनी बार जाएगा, 2 बार चला जाएगा, और 2 बार में ये बच्चों संख्या हो जाएगी आपकी 400, ठीक है। जब ये 400 हो जाएगा, ठीक, तो यहाँ पर देखिए आप लोग कि यहाँ पर बच्चों कितना बचने वाला है, 20। अब आपको 20 को यही रखना है और काटना किसको है बच्चों, 200 को काटना है ना, जो पिछली बार जिससे हमने डिवाइड करा था, जिससे पिछली बार डिवाइड करा था अब उसी को काटेंगे। तो बच्चों 20 ने 200 को 10 बार काटा और 10 बार में ये पूरा पूरा कटा, तो जो संख्या पूरा लास्ट टाइम पे पूरा पूरा काटने का काम कर रही है वो हमारा एचसीएफ। यहाँ पर 20 ने काटा तो बच्चों बताइए हमारा एचसीएफ कितना आया, 20। बट ये जो एचसीएफ है 20, ये अभी 200 और 420 का है। देखिए ध्यान से कि जो 20 है वो 200 को भी डिवाइड कर सकता है, और 20 हमारा बच्चों, 20 देखिए बच्चों 200 को भी डिवाइड कर सकता है और 420 को भी डिवाइड कर सकता है, ठीक है। लेकिन हमें 3000 को भी देखना है, तो अगर बच्चों ये 20 3000 को भी डिवाइड कर देगा तो ये हमारा तीनों का एचसीएफ हो जाएगा। तो ध्यान से देखो अगर हम 3000 को 20 से काटेंगे तो क्या नहीं कटेगा, बिल्कुल कटेगा, 0 से 0 कटेगा, 300 को 2 से काटेंगे 150। तो बच्चों इनका जो एचसीएफ निकल कर आया वो कितना निकल कर आया बताइए, 20। बट चूंकि हमारा क्वेश्चन जो था वो डेसिमल में था तो हमारे आंसर भी डेसिमल में आने चाहिए, तो डेसिमल में आंसर लाने के लिए हमें 3 जीरो इनसे बच्चों भाग करना पड़ेगा। तो भाग करने का एक आसान सा तरीका है पहले कि पहले तो आप 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए, और नीचे जितने 0 दिए हैं इन 0 से जब आप ऊपर डिवाइड करोगे तो आपका डेसिमल 2 बढ़ जाएगा। कैसे देखिए, चूंकि यहाँ पर 2 जीरो है तो आपको राइट हैंड से 2 के बाद में पॉइंट लगाना है ना, जैसे बच्चों 1 और 1 कितना, 2। तो यहाँ पर बच्चों आप लोग जो आंसर आएगा तो वो आएगा 0.02। बात समझ में आ गई है, तो ये 0.2 निकल करके आ गया। अब मान के चलो ये तो हमारा एचसीएफ का केस था, बट बच्चों अगर हम लोगों को यहाँ पर किसी तरीके से एलसीएम निकालना होता तो कुछ नहीं करना, आप लोग ध्यान से देखिए, जब हमें एलसीएम निकालना होता तो बच्चों ऊपर हम लोग एलसीएम रखते और नीचे क्या रखते हैं, फिर हम लोग बच्चों एचसीएफ रखते हैं ना। तो ये जितनी ऊपर वाली संख्या है
ऊपर वाली, तो बच्चों इन लोग इनका हम लोग क्या निकालते हैं बताइए बच्चों, एलसीएम। और नीचे वाली संख्याओं का बच्चों हम क्या निकालते हैं बताइए, एचसीएम। तो मैंने आप लोगों को बताया कि अगर संख्याएं समान है तो उनका एचसीएम भी वही होता और उनका एलसीएम भी। तो बच्चों इसका जो एचसीएम है वो कितना आया, 100, और 2000, 3000 और 420 का एलसीएम आप आराम के साथ में निकाल सकते हैं, ठीक है। क्योंकि यहां पर मैं निकाल लू या आप निकालो, बात तो एक ही है, ठीक। तो आप 200, 3000 और 420 का एलसीएम निकालिए और उस एलसीएम को यहां पे ला करके रख दीजिएगा। और बच्चों ये जो 1000 है इससे आप 1000 से क्या कर दीजिएगा, भाग कर देना, तो जो आंसर आएगा वो आपका एलसीएम बन जाएगा। तो इस तरह से अगर आपको फ्रैक्शन के एचसीएम या एलसीएम लेने हैं तो जब एचसीएम निकालोगे तो बटे में एलसीएम भी निकालना पड़ेगा, जब एलसीएम निकालोगे तो बटे में आपको एचसीएम भी निकालना पड़ेगा। तो इस तरह से हम लोगों ने डेसिमल को फ्रैक्शन में बदला और फिर फ्रैक्शन के एचसीएम एलसीएम लिए। तो मींस कहने का ये है कि अब आप आराम के साथ, चाहे वो रियल नंबर है, नेचुरल नंबर है, या वो डेसिमल नंबर है, या वो बच्चों हमारे कैसे नंबर है, फ्रैक्शनल नंबर है, तो आप उनका एचसीएम आराम के साथ निकाल सकते हो, एलसीएम भी आराम के साथ निकाल सकते हो। तो आज जो हमारी पहली जो बेसिक क्लास थी वो आप लोगों को एचसीएम और एलसीएम के विषय में बताना था। तो इस तरह से बच्चों आज हमने अपने जो बेसिक कॉन्सेप्ट थे एचसीएम एलसीएम के वो पूरा कर लिए हैं। बट कल का जो हमारा लेक्चर होगा, तो कल के लेक्चर में अब आने वाले लगभग इस चैप्टर के 100 ऐसे क्वेश्चन जो बहुत सारी प्रीवियस ईयर की परीक्षाओं में बने हुए हैं, तो कम से कम 100 प्लस क्वेश्चन में आप लोगों को इस चैप्टर के कराऊंगा, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए जो हमारी क्लास है वो बस उसमें एचसीएम और एलसीएम के आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कराने थे, वो हो गए हैं। कल से हमारी क्लास आगे कंटिन्यू होगी। थैंक यू सो मच। डाउटलेस क्लासेस को आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, तो कि जो भी लेक्चर में अपना जब भी बच्चों अपलोड करूंगा वो आपको मिलता रहेगा, ठीक। डेली लेक्चर अभी नहीं बन पा रहे हैं, शेड्यूल मेरा बहुत बिजी है, ठीक है। ऑफलाइन क्लासेस में भी पढ़ाना होता है तो मेरे पास टाइम की कमी है, बट जैसे ही मुझे टाइम मिलता है तो मैं डेफिनेटली आपके लिए लेक्चर बनाता हूँ। जैसा अभी देखिए इस समय पर रात के 10:30 बजे है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के लिए लेक्चर बना रहा हूँ, ठीक है। तो आप देखिएगा इसको, मैं भी आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ, आप भी करिए, आप निश्चित सफलता पाएंगे, ठीक है। मेरी भगवान से प्रार्थना भी और ऐसी उम्मीद भी मैं करता हूँ कि आपकी मेहनत जरूर रंग लाएगी, ठीक है। थैंक यू सो मच।